हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जबरदस्त घोषणा करते हुए हरियाणा के सीईटी रिजल्ट की यहां पे घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें सीईटी के रिजल्ट्स की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही सामने, मात्र 1,00,000 युवा जो हैं इस बार सीईटी में क्वालिफाई हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। वहीं आपको बता दें ग्रुप डी की नौकरी केवल इन्हीं को मिलेंगी। किन किन युवा ग्रुप डी की नौकरी से हो सकते हैं बाहर, नया नियम क्या कुछ कहता है ये भी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिएगा, अपना जिला जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में ग्रुप सी के लिए पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम शीघ्र घोषित होने वाला है। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं आपको बता दें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी नाराज हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि आपने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकाला। आपको बता दें आज 10 जनवरी हो चुकी है, आज आपका रिजल्ट रात 9 बजे तक जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें परिणाम आने के तुरंत बाद ग्रुप सी के लगभग 40,000 पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए पदों की भर्ती के लिए भी जल्द सीईटी करवाया जाएगा, जो कि आपकी डेट भी दे दी गई थी। आपको बता दें 10 व 11, यानी कि 10 और 11 मार्च को आपको ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। हरियाणा में 17,000 से 20,000 पद इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी कि 17,000 से 20,000 के बीच में पद होंगे। अभी फाइनल पद बताई नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार जो सीईटी का एग्ज़ाम दिया गया है ग्रुप सी के लिए, जो कि 5 और 6 नवंबर को हुआ था, उसका रिजल्ट आज आ जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है तकरीबन 1,00,000 युवा, जी हाँ 1,00,000 युवा यहाँ पे सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर आपसे एक साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।